एंड एक्चुअली मैंने उस दिन ट्राई कर इट ब्रोक गाइस. डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, स्प्रेड लव. यही है मेरे पास मेकअप बस. आई हैव सीन माय सिस्टर, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, दे हैव सो मेनी मेकअप. हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आई रीड ऑल योर कॉमेंट्स. आई मैं ट्राई करती हूँ कि आपके सबके कॉमेंट्स पे मैं रिप्लाई करूँ, और मैंने किए भी हैं. अगर कुछ रह गए हो तो आई एम रियली सॉरी. एंड मैंने कॉमेंट्स में देखा है दैट यू गाइज वॉन्ट टू सी माई मेकअप वैनिटी, कि मेरे पास मेकअप में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और मेरे कौन से मेकअप में फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं. सो टुडे आई एम गोना शो यू ऑल दैट. आज मैं अपने मेकअप वैनिटी पे वीडियो बनाने वाली हूँ. एंड पहले ही बता रही हूँ कि प्लीज़ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई मत रखना, क्योंकि मैं मेकअप बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ. लाइक गिनती के कुछ चीज़ें हैं मेरे पास. सो यस, जो भी है अब है. सो आई एम गोना शो यू ऑल वन बाय वन. सो फर्स्ट आई एम गोना शो यू ऑल दिस. आई जस्ट लव दिस वैनिटी. I love it so much. So मैंने अपने कितने सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स इसमें रखे हैं. सो वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, इट इज़ सो ईजी एंड कन्वीनियंट. सब अपना मेकअप इसमें डाल दो एंड यू कैन पुट योर ज्वेलरी ऑल्सो. बीच में एक और जिप है, तो उस जिप के अंदर आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हो एंड यू कैन कीप योर मेकअप. आप और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो. दिस इज फ्रॉम हैम्स्टर लंडन एंड थैंक यू हैम्स्टर लंडन फॉर सेंडिंग दिस टू मी. आई हैव अ सूट केस ऑल्सो, आई विल शो यू बाई सून. एंड द सेकेंड वन इज दिस. So this I got from Amazon. I think it was for 1500 to 1800. Not really sure. And if you guys want, I'll share the link with you all. And this is really nice. You can open it like this. And if you're traveling, you can take it like this. There are two drawers. So I keep my makeup in this. So let's check my makeup now. I'm gonna show you all first my foundations. So this is my favorite foundation. It is from Estee Lauder and the shade is ivory beige. And if you need full coverage, because मेरे थोड़े marks हैं, तो जब मुझे कभी shoot करना होता है या फिर कहीं बाहर जाना होता है, I need full coverage. So I use this. This is one of the best foundations. Trust me guys, मैंने कितने बड़े बड़े makeup artists देखे हैं, they use this foundation. This is like a blessing if you have like, you know, marks and all, and if you need full coverage, this is the best foundation. And it stays, ये काफ़ी देर तक टिका रहता है आपके फेस पे. सो इसी में आई हैव द सेम फाउंडेशन. इट इज़ फ्रॉम Estee Lauder ओनली, बट द शेड इज आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट द स्पेलिंग्स आर लाइक RATTN, रैटन और रतन, वट एवर. सो दिस इज ऑल्सो देयर. वो थोड़ा पिंक टोन में है, ये थोड़ा येलो टोन में है, बट आई लाइक द पिंक टोन. एंड आई हैव वन मोर, ये ख़त्म होने वाला वैसे, द आइवरी बेज वन ओनली. एंड आई हैव दिस foundation from Charlotte Tilbury, Airbrush Flawless. This foundation is also very good, but it is little heavy. Like थोड़ा सा मुझे केकी लगता है कभी कभी, तो बहुत ही कम यूज़ करना होता है इसे. And also it stays for really long time, but still I prefer the Estee Lauder one. There's one foundation जो मुझे लेने का बहुत ज़्यादा मन है और मैं बहुत जल्दी लूँगी. एक्चुअली मेरे पास काफ़ी सारे फाउंडेशन पड़े हैं, तो आई एम जस्ट वेटिंग थोड़े कुछ खत्म हो तो उसके बाद मैं लूँगी. द नार्स, नार्स इज अगेन रियली गुड. दैट डे जब व्हेन आई वाज शूटिंग, उन्होंने मेरे फेस पे नार्स यूज़ किया था एंड इट वाज लाइक लवली. एंड आई हैव दिस अरमानी का फाउंडेशन, जो कि मैंने अब तक खोला भी नहीं है. एंड आई गॉट दिस फ्रॉम बैंकॉक. एंड अरमानी का एक्चुअली मैं दो शेड्स लेके आई थी, उसने मुझे चेपा और मैं ले लिया, और मैंने ले लिया. आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक ऑरी, मैं ले लिया. सो दिस फाउंडेशन इट्स फ्रॉम अरमानी एंड इट इज़ वेरी लाइट. इट इज़ वेरी लाइट. पीपल हु हैव लाइक फ्लॉलेस स्किन, दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन फॉर यू, बिकॉज आई हैव थोड़े बहुत मार्क्स, पिंपल के मार्क्स थे, तो वो कवर नहीं करता है. सो आई हैव टू पुट कंसीलर फर्स्ट एंड देन मुझे ये फाउंडेशन यूज़ करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा अच्छा लगता है. अदरवाइज नॉट रियली गुड फॉर माई स्किन. लाइक हाँ, इफ़ यू हैव फ्लॉलेस स्किन, दिस इज रियली गुड. आफ्टर दैट इट इज़ नॉट अ फाउंडेशन फाउंडेशन, बट अगेन मुझे चेप दिया गया था. दिस इज़ फ्रॉम La Mer. And
आई वॉज लाइक कि फाइनली लेमेर का स्टोर दिखा मुझे एयरपोर्ट पे एंड आई वॉज लाइक डूड आई हैव टू बाई समथिंग सो आई बॉट वन लेमेर का क्रीम एंड दिस बट द थिंग इज दिस इज नॉट गुड फॉर इंडियन स्किन टोन बिकॉज इट्स टू दिस थिंग आई एम थिंकिंग कि कोई मेरा बहुत गोरा फ्रेंड होगा तो मैं उसको दे दूँगी नॉट माई स्किन टोन लाइक इट मेक्स यू फेस लुक वेरी वाइट तो या आई विश मैंने ये नहीं लिया होता मैंने कुछ और ले लिया होता एंड इसके साथ एक और ये मिलता है अगर वो ख़त्म हो जाए तो या बस दिस वन मोर विच यू कैन यूज़ लेटर तो ये भी खुला नहीं है मैं एक्चुअली कंसीलर थोड़ा डार्क वाला मिक्स करके इसे लगा लेती हूँ ख़रीदा इतना महंगा तो लगाना तो है ही है ना नॉट गोना वेस्ट इट एंड आई हैव दिस पोर प्रोफेशनल फ्रॉम बेनिफिट आई लव बेनिफिट के प्रोडक्ट्स दीज आर फॉर माई पोर्स और एक है पोर्स के लिए दिस इज फ्रॉम पिक्सी दीज टू प्राइमर्स आर रियली रियली गुड इफ यू हैव पोर्स ओके सो नाउ आई एम गोना शो यू माई कंसीलर्स सो दिस इज वन ऑफ द कंसीलर्स इट्स फ्रॉम क्लिनिक एंड माई टोन इज Out and the other concealer is from Benefit. I love this one. अभी चिराग UK से आया था तो ये मेरे लिए लेके आया था And honestly मैंने अभी भी सिर्फ Benefit का ये concealer use किया है And that is it. और कुछ नहीं use किया It's really really nice. And my favorite concealer guys. This is from Tarte. Number is medium tan scent. Like अगर if you have like dark under eyes and if you have marks and all this is the best concealer you can have and also there's one more concealer जो मैं ढूंढ रही हूँ अभी बट इंडिया में मुझे मिला नहीं है चिराग को भी मैंने पूछा था वहाँ पे बट they didn't have that time Hourglass का concealer foundation is like really good so if you're traveling if you can buy it order it online मुझे shopping करना इतना पसंद नहीं है and I have one concealer क्रीम बेस्ड फ्रॉम मैक आई यूज इट स्पेशली व्हेन आई एम शूटिंग जब मुझे 14-15 घंटे शूट करना होता है तो मैं ये वाला यूज करती हूँ एंड आई एम यूजिंग दिस कॉन्टोर फ्रॉम शार्लेट विच आई नॉट रियली लाइक आई डिडंट लाइक इट मच बिकॉज आई थिंक बेनिफिट का इज बेटर एंड ईजी टू अप्लाई सो नाउ आई एम गोना शो यू ऑल माई लूज पाउडर This is from Laura Mercier. बहुत टाइम हो गया है लूज पाउडर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं एंड दिस इज फ्रॉम आर ग्लास इट्स ऑल्सो अ लूज पाउडर वेरी नाइस आई डोंट नो ये कितने का था बच्चे की गॉट दिस फॉर मी ही मैनेज टू गेट दिस एट लीस्ट दिस इज अगेन अ ट्रांसलूसेंट पाउडर बट क्रिस्टल ट्रांसलूसेंट पाउडर इट्स नॉट अ पाउडर बट इट कम्स लाइक दिस एंड दिस इज फ्रॉम NARS. So I have two compacts with me. So one is this from Christian Dior. This is loose powder compact. It's like in a powder form, but it is a compact only. And the other one is from Charlotte Tilbury. This is my favorite. And the shade is 2 medium. And I'm gonna show you all my setting sprays. This is from Charlotte Tilbury. The other one is this. From MAC जो मुझे गिफ्ट में मिला था फ्री में मिला था क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉपिंग की ये जो मैं मेकअप के पहले यूज करती हूँ MAC का स्ट्रोक क्रीम फॉर शाइन एंड ऑल एंड ये मैं यूज करती हूँ माई बीबी क्रीम वेन एवर आई एम गोइंग कहीं आस पास एंड आई डोंट वॉन्ट मेकअप हैवी मेकअप एंड ऑल हल्का नेचुरल मेकअप चाहिए न्यू मेकअप लुक चाहिए मुझे तो मैं हमेशा ये हालो का स्मैश बॉक्स का हालो का ये मैं यूज करती हूँ दिस इज लाइट न्यूट्रल नाउ आई एम गोना शो यू ऑल माई ब्लश ऑन्स सो माई फेवरेट ब्लश ऑन इज दिस वन फ्रॉम शार्लेट टिलबरी दिस इज द शेड इट हैज पिंक एंड पीचिश टोन इन इट एंड थोड़ा सा शाइनी है दिस वन इज चीक टू चिक सो दिस वन इज फ्रॉम जिवॉन्शे एंड आई एम गोना शो यू द शेड्स इन साइड It's like peach, light peach, dark peach, orange, pink, sab mix hai isme. And the other one is from Bobbi Brown.
ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल लगता है. दिस इज द शेड, इट इज ब्लश फर्दर जर्स नेक्टर. ओ माई गॉड, आई ऑलमोस्ट हैड अ हार्ट अटैक. दिस इज ब्रोकन गाइस, टूट गया है ये. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम डियोर. इट्स अ ब्यूटिफुल शेड, ब्यूटिफुल ब्लश ऑन. सो मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ. On Magga, it's so expensive. So this is Rouge Blush 465 Chimier Matte. And there's another one from Dior, and it's broken too. ये भी टूटा हुआ है, but मैंने दोनों संभाल के रखे. Oh my God, हमारी हालत बहुत खराब है. I can't tilt it much, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा, guys. तो ये थोड़ा उससे dark है, और इसका shade, guys, sorry नहीं बता सकती. But beautiful shades. डियोर के जो ब्लश ऑन्स हैं दे आर रियली गुड. डियोर एंड शार्लेट के जो हैं ब्लश ऑन्स दे आर रियली नाइस. एंड आई हैव हर्ड दैट रेयर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग. सो आई एम गोना ट्राई देम सून. अभी नहीं ले रही हूँ मैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा है और मैं इनको यूज़ भी नहीं करती हूँ. ओके, सो नाउ आई एम गोना शो यू माई अनदर टू ब्लश ऑन्स. दिस इज़ फ्रॉम न्यूड स्टिक, नॉट ही स्पाइस, फ्रॉम न्यूड स्टिक्स. दिस इज द शेड, यप, pink. There's another one from Smashbox Hello, Wisteria. This is again a very 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 nice blush on. Like agar aapko kahin aas paas jana hai aur halka sa natural glow, natural wo pink tone chahiye hai, so this is really good. Actually both of them are really good, but iska jo pigmentation hai it is like amazing. And now we're gonna show you my highlighter, which I hardly use because I'm highlighted already. Does it make sense? I don't know. So this is from Fenty Beauty. This is the shade. This one is little darker and the other one is little lighter, but it is really nice. And the other one is from Summer of Love. Beautiful shades, beautiful. As usual, कोई आया है guys. Just give me one second. Sorry guys, press वाले भैया आए थे तो मैं आपको क्या दिखा रही थी, वे बस आए. I forgot. Lula. Okay, anyway, I'm gonna show you my eyeshadow palette now. So this is the eyeshadow palette which I have. Not the only one. I have one more, but I mostly use this one only. And this is from Huda Beauty. And these are the shades. It's beautiful. Simple look चाहिए तो नीचे वाले use कर सकते हो. अगर party look चाहिए तो you can use the shimmer and glitter. And there is one more hip dot. It is actually India में नहीं, but ये बाहर से कोई लेके आया था. It's a gift actually. So I'm gonna show you the shades. They're nice. They're very nice. I think I've never used it. एक तो यूज़ किए मैंने. आई टोल्ड यू गाइस आई डोंट यूज़ मेकअप, इतना यूज़ नहीं करती हूँ. एंड ये तो डेफिनेटली मैंने नहीं खरीदा है, किसी ने डेफिनेटली दिया है मुझे. दिस इज फ्रॉम कलर एसेंस, दिस ब्लू कलर. गाइस इज एक्चुअली वेरी नाइस, इट्स क्वाइट नाइस. इसे लगा कि मैं मोर बन जाऊँगी एकदम. दिस इज़ फ्रॉम अर्बन डीके, ये मैंने 47 में लिया था. इट्स वेरी ओल्ड गाइस एंड आई हैव हार्डली यूज्ड इट. इफ यू वांट स्मोकी आई मेकअप, दिस इज द बेस्ट थिंग. इट्स टू गुड, इट्स टू गुड. दिस इज फ्रॉम अर्बन डीके, मून स्पून. एंड आई एम गोना शो यू माय मस्कारास. दीज आर द टू मस्कारास आई हैव, वन इज वाटर प्रूफ एंड वन इज नॉर्मल. ओके, आई लव दिस मस्कारा. लाइक इफ यू वॉन्ट हैवी आई लैशेज, अगर आपको कहीं पानी में जाना है, कहीं भी जाना है, आई एम टेलिंग यू गाइस दिस इज द बेस्ट मस्कारा यू कैन हैव. इफ यू गो टू अ पूल और समथिंग, बाय इट नाउ. इट इज अमेजिंग, अमेजिंग, माई फेवरेट. एंड द अदर वन इज फ्रॉम टू फेस. डैम गर्ल, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस. दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ, मैंने अभी भी लगाया है, बट मैं तो थोड़ा सा लगाया है. मैंने एक्चुअली बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने जब देखे थे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ था, तो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस वन. एंड एक्चुअली दिस इज रियली नाइस. एंड आई एम गोना शो यू माई आईब्रो किट. सो दिस इज़ फ्रॉम अनस्तासिया, दिस जेल.
इट इज़ रियली गुड. इसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं बट माई शेड इज डार्क ब्राउन. दिस इज अ आईब्राउ जेल फ्रॉम बेनिफिट. दिस इज अनदर आईब्राउ जेल फ्रॉम नायका एंड दिस इज अनदर क्यूट स्मॉल आईब्राउ जेल फ्रॉम बेनिफिट. अब क्या रह गया गाइज? बस खत्म, इतना ही मेकअप था मेरे पास. एनीवे, सो दीज आर द ब्रशेस आई हैव. दिस इज अ ब्लश ऑन ब्रश, इससे मैं अपना फाउंडेशन लगाती हूँ. एंड दिस इज माई कॉम्पैक्ट ब्रश एंड दीज आर द स्मॉल ब्रशेज आई हैव फॉर माई आई मेकअप. एंड टू क्लीन दीज ब्रशेज आई हैव स्प्रे. दिस इज फ्रॉम सेफोरा. सो अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, अपने ब्रश इसको अच्छे से धो नहीं सकते, तो जस्ट इसको ब्रश के ऊपर स्प्रे करो, टिश्यू पेपर लो एंड क्लीन इट. आपका ब्रश एकदम क्लीन हो जाएगा. एंड दिस इज द काजल आई हैव, ओनली काजल फ्रॉम शार्लेट. आई यूज दिस. दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड आई डोंट नो फॉर सम रीजन चिकी गॉट दिस फॉर मी. ही सॉ दिस एड ऑन इंस्टाग्राम एंड उसको बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा, बहुत ही प्यारा लगा ये, तो उसने मेरे लिए ऑर्डर कर लिया. आई विल शो यू गाइस. दिस इज द शेड एंड एक्चुअली मैंने उसे ट्राई कर, इट ब्रोक गाइस. या सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट. कुछ रह तो नहीं गया यार. मुझे शर्म आ रही है यार. नाउ आई रियलाइज कि मेरे पास मेकअप कुछ ज़्यादा ही कम है यार. सो दैट्स इट गाइस. बोलते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है, बट ये था मेरा मेकअप कलेक्शन. एंड यू जस्ट सॉ माई वैनिटी, दिस इज ऑल आई हैव. एंड जितने भी मेरे पास मेकअप का सामान है, जो जो मैंने आपको बताया, दे आर माई फेवरेट्स एंड मैं बहुत सालों से उन्हें यूज़ कर रही हूँ. ये थी मेरी वैनिटी, ये है मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ. एंड दिस इज इट. आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक माई मेकअप वैनिटी विच इज़ नॉट लाइक, बट येस. और मैं आपके कॉमेंट सेक्शन में पढ़ती रहती हूँ. तो अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊँगी, आई लेट यू नो गाइज. सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, स्प्रेड लव. शुक्राना, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय.